छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन बुधवार को भिलाई में आयोजित सीमेंट कंक्रीट रोड के उद्घाटन एवं अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में MPLAD कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में चर्चा की। इस बीच उन्होंने पत्रकार वार्ता में अपने दौरे को लेकर कुछ इस तरह की जानकारी दी। देखिए, फ्री की योजना किसको दे रहे हैं, इससे आपकी नियत और मंशा समझ में आती है। जब 2014 में मोदी साहब आए, भाजपा आई, तो इन्होंने क्या बोला था कि एनपीए का इतना पैसा है, स्विस बैंक में इतना पैसा है अमीरों का, कि मैं एक एक गरीब के पॉकेट में 15 लाख फ्री में दूंगा। दिया क्या? फिर बोला 30 लाख दूंगा। दिया क्या? हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। क्या वो कॉर्पोरेट है नीरव मोदी है? क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट अडानी ने लेना था? वो BPL और APL जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, हम 6 सिलेंडर में 10 में 4 की सब्सिडी दे रहे थे, उन लोगों को दे रहे थे जो निडी है, सर्विस क्लास है, फार्मर्स है। तो आप देते किसको है? आप कंपेयर कीजिए। आपने 7.5 लाख करोड़ रुपया लगभग अभी कॉर्पोरेट का माफ कर दिया। हम कह रहे थे NPA आप कॉर्पोरेट का लीजिए और वो पैसा गरीबों को दीजिए। तो गरीब को सब्सिडी देना, जैसे हम खाद्य सुरक्षा लेके आए, मनरेगा लेके आए, तो कांग्रेस उस सिद्धांत में चलती है कि जो गरीब है उसको हम मजबूत करें। तो वो पैसा अगर हम सब्सिडी देते हैं तो हमको ये बैलेंस लगता है। और आज़ादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने इस देश को चलाया, तो इस सब्सिडी से कभी भी देश में ना रिसेशन आया और ना ही महंगाई बढ़ी। आप लगातार रेट कीजिए, हम लोग कानूनी कार्रवाई को सह रहे हैं और सहेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2014 से जितनी भी ED, CBI, IT की रेट पड़ी है वो 99.9% सिर्फ विपक्ष को पड़ी है। अगर विपक्ष में से 2 लोग जिन पर CBI का छापा पड़ा है, अगर वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन होके आ जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये वैसे लोग हैं, जब राहुल गांधी जी को 60 घंटे ED की पूछताछ की है, मैडम सोनिया गांधी जी को की है, तो हम सब उस कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन जनता देख रही है। हम लोगों को लगता है अभी हमारे 72 है, हमारे MLA 90 है। देखिए, ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि निश्चित तौर से हम पूरे फुल बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा भी बनाने का। शायद आपने देखा नहीं, हम लोग कर्नाटक में थे, हमारे लीडर प्रियंका जी पहुंची, राहुल जी ने भी स्टेटमेंट दी, हमारे कई बड़े लीडरान पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे लोग पहुंचे, लेकिन हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और ये जो जुलाई का सेशन आएगा, हम लोग उन गोल्ड मेडलिस्ट के लिए लड़ेंगे। देखिए, मेरा फंड जो आया था लगभग 2.5 करोड़ आया था, और अभी यहाँ से ऑडिट नहीं किया है, और मेरा 2.5 करोड़ खर्च हो चुका है। कई MLAs हैं जिन्होंने लिया, यहाँ पे अभी BCC का किया, तो जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होती है उसमें BCC बोर्ड भी रहा, कम्युनिटी हॉल भी है, किसी ने दुआ खुलवाने का काम किया है, किसी ने समुदाय व्यवस्था किया। तो जैसे और राशि आएगी हम लोग वो काम करेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, मैंने बस्तर का दौरा किया था, रायपुर का आसपास का किया है, और आज मैं भिलाई में हूँ, और अब चुनाव है, तो जो एरिया हमको जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। अभी विदिन 1 ईयर में मैं 3-4 बार आई, महाधिवेशन में आए थे, उससे पहले बस्तर के दौरे पे आए थे, और राज्यसभा और एक स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी होने के नाते अभी 15-20 दिन कर्नाटक में थे। तो ये जैसे देखिए, आधार मध्य प्रदेश में मामा जी है, शिवराज चौहान साहब का जो करप्शन है जो वहाँ पे चल रहा है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे CM साहब का काम है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए, जो गौमूत्र की योजना है, गोदान की योजना है, MSP की योजना है,
आंगनबाड़ी की योजना है, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनका लोगों के बीच में जाना, कम्युनिकेट करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर मुख्यमंत्री 100% काम कर पाता है, लेकिन लोगों को फेस करना, उसके बीच में जाना और उनको आश्वस्त करना, लगातार उनके लिए काम करना, ये चीज़ हमें छत्तीसगढ़ में भी वापस। कल का जवाब भी आपने दिया, आडवाणी जी कहाँ चले गए, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए, 9 साल बेमिसाल की जगह भाजपा भारतीय जुमला पार्टी, ये कांग्रेस का कहना है और पूरा देश कह रहा है, ये 9 साल का जो कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी चार्जशीट है वो हम लोग लगातार पूरे प्रदेशों में लेके जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल कर्नाटक ने दिखाया, जो 40% करप्शन था लोगों ने उनको समझा, जो 5 गारंटी हम लोगों ने दी लोगों ने उसको समझा। हम लगातार नोटबंदी हो, काला धन हो, 15 लाख देने की बात हो, महंगाई की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आज जिस तरह का महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं 3-4 महीने से, और उनका जो चेयरमैन है, जो सांसद है, वो खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम कह रहा है कि पॉक्सो का कानून ही हट जाना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और इसका जवाब उनको ये 9 साल के जो क्रियाकलाप है कि महिला कितनी सुरक्षित है, आप खुद सोचिए कि एक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जब सुरक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट को हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो कौन सी महिला और बच्चियों को आप सुरक्षा दे पाएंगे? तो क्या यह देश देख नहीं रहा है?